सारा घर का सुकून दबा हुआ है आपको बताइए। बात करते हैं ना भैया, अभी इतनी मेहनत करके मैंने बनाया है, देखो खा तो लो, थोड़े से तो खा लो यार, खा लो। अब जहाँ तक तुम घुमाने की बात है, चलो यार घुमाने तुम्हें ले जाएंगे कुछ दिनों के बाद, फिर भी कुछ दिनों के बाद तो कुछ लाजमी बात नहीं, सेटिंग सारी बनानी पड़ेगी घुमाने के लिए ना। ऐसे थोड़ी आज बोलो कल ले जाएंगे, सारी तरतीब बनती है, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद लेके जाते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है आज आप बोलो कल घुमाने ले जाएंगे। बेगम क्या खाना पकाना है बताओ? नहीं पता, पहले तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी है, तुम खाने पीना बंद कर दो बिल्कुल ही जो है ना, बस वो हो जाओगी। बेगम तुम्हारा कोई हाल नहीं है यार, तुम जो है ना तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे ऐसे फरमाइशें भी बढ़ेंगी, तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही है। चलो छोड़ो यार, नहीं भाई मैं नहीं बात कर रहा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। हाँ तो मेरी डिमांड बढ़ रही है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा पराठा, आप देखें बेगम गोल बनाती, लेकिन हम जो नक्शे ऑस्ट्रेलिया के नक्शे, अमेरिका के नक्शे, पाकिस्तान के नक्शे, सारे नक्शे हमारे पास अवेलेबल हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई फिर गए हैं, सुबह की नमाज वमाज पढ़ी है, तलावत की है, और अब जो है जरा छत पे चलते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। इस तरह बेगम जो है थोड़ी नाराज है, तो नाश्ता लगता है जो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, लग रहा है तो आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं, नाश्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। छत पे आए, जरा मौसम वगैरह देखें आप, कितना मौसम हो रहा, मौसम अभी सूरज निकला नहीं है, बादल है हल्के हल्के। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लगा दें, ऑल पे। ऊपर से हम नीचे आ गए, और मानो भी हमारे साथ नीचे आ गई, मानो ऊपर थी, मानो नीचे आ गई, मानो क्या कर रहे हैं देखें, अभी इसको घूमना फिर जाएगा, भूख लगी होगी इसको। चले यार नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, हम खुद ही बनाएंगे नाश्ता, तो मुझे लग रहा है। हमने चाय के लिए पानी वानी रख दिया, और ये तवा वगैरह रख दिया भाई, रोटी हमने बेल के डाल दिए, और इस पर घी वगैरह लगाएंगे, पराठा बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, साथ साथ बना के बना नहीं सकते ना, हम साथ बना रहे, फिर लोग एक जाते हैं तो अभी बनाते हैं, फिर नाश्ते पे बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, आज खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही घर काम कर रहे हैं। तो चले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता वगैरह आ गया बन के, नाश्ते में बस पराठा बना लिया हमने, और आए आए चाय भी अगर मगर हम चाय धुआं निकलता हुआ, तो चलिए नाश्ता करते हैं और फिर काम पे जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, जॉब से वापस आएंगे तो फिर हालात देखेंगे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अभी तो हालात बहुत पतले हैं। और मानो भी हमारे, मानो कहाँ जा रही हो? हाँ पीछे पीछे होकर जा रही है मानो। तो भाई नाश्ता वगैरह कर लिए, और अब जो गाड़ी वगैरह निकालते हैं और चलें जॉब पे चलते हैं। मोबाइल हमने ले लिया अपना, चार्जर वगैरह भी ले लिया, वहाँ कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, चार्जिंग भी होती है, फिर काम आता है। तो चलें फिर चलते हैं जॉब पे, और आपसे वापस आके बात करेंगे। तो भाई फाइनली वापस आ गए ड्यूटी से, और आगे हमने खाना भी खा लिया था, खाना खाने के बाद अब हमें जो है नींद आ रही है, जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो अभी शाम के टाइम पर नींद आ रही है, तो थोड़ी देर जा रहे हैं सोने के लिए, थोड़ी देर सोते हैं, सो के उठेंगे फिर आपसे बात करेंगे। और बेगम अपने कामों में मसरूफ़ है, तो हमने बेगम को फिलहाल तो छेड़ा नहीं है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, बच्चे आते हैं तो उनसे बात भी करते हैं, तो अभी पहले तो सोते हैं फिर उठे कर देखते हैं। सो के उठ गए थे और नमाज वगैरह पढ़ी है हमने, असर की नमाज पढ़ी है, और अब जो है हम कुछ खाने पकाने की तैयारी करेंगे। आइसक्रीम वाला घूम रहा है, आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही है आपको? तो कुछ खाने पकाने की तैयारी करेंगे अभी हम, तो खाना पकाना जिसने आज तो सुबह बना दिया था, तो आज लगते बच्चों को खाना पकाना भी हमने वहाँ आगे देगा। बेगम आज कुछ भी करने के मूड में नहीं है बिल्कुल, घर में भी गन बनना हुआ बहुत ज़्यादा, आपको दिखा नहीं सकता मैं, तो देखो मुझे वहाँ से इशारे करिए कि बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? गुस्सा करिए मुझे वहाँ पे, मुझे भी गुस्सा कर रही हो, बस करो यार छोड़ो, लड़ाई करके कर तबीयत खराब हो गई। तो बोलो बाबे है ना, बाबू से तुम अगर लड़ोगे तो देखो ना, मैं तो बाबा हूँ ना। हम पता है आप ट्यूशन से वापस आ गए हो, और अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? देख रहे हैं। बेगम क्या खाना पकाने है बताओ? मुझे नहीं पता भाई, मैंने आज से भूख हड़ताल है। मतलब पहले तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी है, तुम खाने पीना बंद कर दो कि बिल्कुल ही जो है ना, बस वो हो जाओगी। बस आपको रहम आ जाए। रहम आ जाए। बाहर का हो गया भाई, एक घूमने का था, अब खाना बाहर खाना तो हो गया। बेगम तुम्हारा कोई हाल नहीं है यार, तुम जो है ना तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे ऐसे
तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही है। चलो छोड़ो यार, नहीं भाई मैं नहीं बात कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा। डिमांड ज्यादा हो जाएगी। हाँ तो मेरी डिमांड बढ़ रही है, मैं नहीं बात कर रहा, नहीं मैं नहीं बात कर रहा। चलो यार हम खुद कुछ पकाने खाने के खर्चे उठाने पड़ेंगे, हम खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। हाँ मुझे पता है, अभी मैं जो है ना सोच रहा हूँ सबसे आसान डिश मिल रही अंडे पकाना, सोच रहा हूँ मैं अंडे पका लेता हूँ, बहुत सारे अंडे वंडे पका लूंगा, वो खा लेंगे, कुछ पकाने करते हैं सेटिंग, कुछ पकाते खाते हैं। नाभिया ट्यूशन से वापस आई नहीं, नाभिया जो नाभिया से पूछते हैं नाभिया का कहती है खाने पकाने का। फिर फाइनली जो है बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए, वो बकर जा रहे, नाभिया भी आ गया। आपने इस्लाम किया नहीं था पहले? मैंने तो नहीं किया। अच्छा तो अभी जो है हम क्या बना रहे हैं अभी, आज क्या बनाए यार? मम्मा तो किसी बनाएगी, आज पापा ने कुछ बनाना पड़ेगा, तो क्या करें? आलू के पराठे बनाते हैं। आलू के पराठे बनाते हैं, पापा बनाएगा आज, आज मम्मा तो नहीं बनाएगी। मम्मा की तो आप, मम्मा ने तो भूख हड़ताल की, मम्मा ने बोला मेरी आज भूख हड़ताल है, मतलब मम्मा ने बोला मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, क्या करें? फिर बनाना तुम्हें पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, तो बनाना तुम्हें पड़ेगा ना। आज मैं और तुम बनाएंगे बोल के आलू के पराठे, हम दोनों बनाएंगे आलू के पराठे, सही है? हाँ पराठे तुम बनाना, आलू मैं बनाऊंगा, सही है? अब बकर खाएगा, तुमने बोला मैं क्या करूँगा, तुम क्या करोगे? वो बकर खाओगे, हम बनाएंगे और आप खाओगे ना। तो चले यार आलू के पराठे बनाते, आलू बॉयल करने के लिए रखते हैं। और कहाँ है आलू? आलू 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 आ गए भैया, आलू आ गए, आलू 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 आ गए, आलू 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 आलू। चले ना अभी आलू बॉईल वगैरह करते हैं। आलू बॉईल करने के लिए हमने रख लिए, आलू बॉईल कर लिए, और अभी साथ साथ जो आलू बॉईल हो जाएंगे तो बाकी तैयारी करेंगे। तो भाई फाइनली आलू जो है बॉईल हो गए हैं, और हमने आलू को छील दिए, देख सकते हैं आप, आलू आलू आलू। बाकी धनिया पुदीना नहीं, हम धनिया पुदीना लेके आ गए, और ये साथ में दही भी ले आए रायते के लिए। तो चले जो है फिर ये काम शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली जो है तैयारी शुरू हो गई है, हमने धनिया पुदीना और मिर्ची काट दी है, पहले आलू को करते हैं मैश। टूट जा भाई, मैशर नहीं हमारे पास, ये भी हमारा मैशर है, हम इसी से मैश करते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, अभी इसके लिए जो है और मैश करेंगे अभी, सबक तो एक चीज़ ऐड कर देते हैं, नमक हल्का सा, क्योंकि हम पिंक साल्ट भी ऐड करेंगे ना, पिंक साल्ट। नमक ऐड हो गया, नहीं कटर मिर्च हसबे जाएगा, जितनी आपको चाहिए भाई, हम बच्चों के लिए बनाएंगे, बच्चे भी खाएंगे ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही डालनी है, बच्चे भी खाएंगे। और इसके अलावा हाँ ये हमारे पास क्या है, ये धनिया पुदीना, धनिया और लहसुन, वो क्या कहते हैं, धनिया पाउडर है, ये मिक्स हुआ है, इसको डाल दिया, खुश धनिया। और ये हमारे पास बेगम नहीं है, बेगम बोली साथ साथ बताती रहती है ना, बेगम है नहीं तो बता भी नहीं है, बेगम अंदर आराम कर लिए, अंदर चले। ये जो है हमारे पास चाट मसाला मिक्स कर दिया, और हम इसमें थोड़े से करेंगे ऐड बेसन ऐड करेंगे। ना भी कहाँ हुआ बेटा, हमारी मदद करवाने वाली थी आप, ऐसी हो इसी तरीका हमारा, इसी तरह से होगा, मेशर को छोड़ो, हमारा अपना हाथ ही मेशर बन जाता है। इसको ये इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी वेट करेंगे, तब तक हम जो है इसको हम जो है थोड़ा सा वेट कर रहे रखेंगे, चीज़ हम जो है मैश कर रहे हैं, सब कुछ रेडी करके रखते हैं ना, फिर एक बार जो है बस इसको तैयार कर देंगे। तो भाई हमने जो है छोटे छोटे अंडे बना लिए बहुत सारे, अब इसमें देखिए कुछ बड़े कुछ छोटे मिक्स हैं, तो अब इसको हमने आटा पेड़ा लिया, पेड़ों को हमने कर ली सेटिंग, और उसमें थोड़ी चीज़ चीज़ वगैरह बनाएंगे ना, तो चीज़ इसके साथ जो है चीज़ लगा ली, क्या बोल इसे रखा, इसको हम जो है पैक कर देंगे, ऐसे 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 करके पैक कर दें, ये चीज़ अब इसको हम जो है दोबारा
इस तरह हमने एक तैयार किया, इस तरह बाकी जो रखे हैं इनको भी तैयार करते हैं, बाकी भी तैयार करते हैं। तो भाई पराठे जो है हमने बनाना शुरू कर दिए, और ये देख सकते हैं हमारा पराठा, आप देखें बेगम गोल बनाती, लेकिन हम जो नक्शे ऑस्ट्रेलिया के नक्शे, अमेरिका के नक्शे, पाकिस्तान के नक्शे, सारे नक्शे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अभी एक हमने जो है ना फटाफट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मसले एक और भी है कि गैस का इशू बहुत है, गैस भी जा सकता है। तो हमने कहा आपको एक आध दिखा देते हैं, ये बनाते हैं और ये तैयार हो जाए, उसके बाद फिर बाकी जैसे ही तैयार होंगे साथ साथ आपको पकने के बाद दिखाएंगे आप यार। तो भाई ये बस फाइनल है, बाकी तैयार कर चुके हैं, फाइनल है। क्या करें, आज बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आज तो बस तस्तगफिरुल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बनाए पराठे, आलू के पराठे, मजे के। अभी इसको हम सोचे चीज़ वगैरह बनाते, थोड़ी सी हमें चीज़ हमारी थोड़ी सी बच गई है, बगी एंड हो गई है और लानी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो है इसको गुजारा करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं। हमने देखे चीज़ी पराठे देखे हमने ना, अगर इसको थोड़ा सा इसको वो करके फिर चीज़ी पराठे इसको बनाते हैं हम। इसको हम करेंगे फोल्ड, फिर फोल्ड कर दिया। चीज़ कम है हमारे पास ना, मुझे नहीं लगता किस तरह की बन पाएगी, फिर भी जो है डालते हैं और देखते हैं। फिर हमने डाल दिया, उसको हम करेंगे फोल्ड, फोल्ड करके थोड़े छोड़ेंगे, उसके बाद अगर हो गया रेडियो हो रहा नहीं हो रहा है। अरे अरे दिखाई पड़ती, दिखाई पर करीब करें। यस, कम थी चीज, कम थी ना, कुछ नहीं हुआ। तो चलें, तो भाई फाइनली जो है तैयार हो गया आलू के पराठे, चटनी सब तैयार हो गया, चटनी आलू के पराठे, केचप, और हमारा केचप भी हमने नॉर्मल केचप भी रखा हुआ है। नबिया आप रेडी है खाने के लिए? जी। अबुबकर आप? अबुबकर नबिया चले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा अबुबकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चले ठीक है, शुरू करते हैं, तो खाना शुरू करते हैं और चीज़ को काट देंगे, दिखा देंगे। तो चले खाने शुरू करते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। बेगम आप खाना खाओगी? नबिया अभी इतनी मेहनत करके मैंने बनाया है, बेगम खा तो लो, थोड़ा सा तो खा लो यार, खा लो। अब जहाँ तक तुम घुमाने की बात है, चलो यार घुमाने तुम्हें ले जाएंगे कुछ दिनों के बाद, फिर भी कुछ दिनों के बाद। तो कुछ लाजमी बात नहीं, सेटिंग सारी बनानी पड़ेगी घुमाने के लिए ना, ऐसे थोड़ी लगे आज बोलो कल ले जाएंगे, सारी तरतीब बनती है, सब कुछ होता है, उसके बाद लेके जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी लगे आज आप बोलो कल घुमाने ले जाएंगे। थोड़ा कुछ तो बेहतर करो, मूड तो कुछ मतलब पता चले ना, सारा घर का सुकून तबाह हुआ है आपको पता है। जैसे तो खाओ इसको, चलो शाबा खाने शुरू करो। चले यार खिलाते हैं बेगम को, बोलते हैं थोड़ी समझा करें ना, चल चापलूसी करते हैं ताकि खा ले बेगम। तो भाई इतनी मेहनत करके बनाई है, थोड़ा खा के चेक भी करना चाहिए ना, तो आपको हम जायका दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है पापा ने, कैसा बनाया फिर अभी? खा तो कब से खा रहे हो, फिर रिएक्शन मारोगे दोबारा? चस आ गई तुम्हें। तो चलिए यार हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो भाई फाइनली खाना खा लिए और अब वीडियो को एंड करते हैं, सोने का टाइम हो गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लगा दें, ऑल पे अल्लाह हाफिज़।